हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके पहले भी बहुत सारे सम अपलोड कर दिया था बच्चे लोग, और सम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल है अपना, आप लोग लेफ्ट में इसको सॉल्व करेंगे, राइट में वर्किंग नोट डेढ़ दो पेज जाएगा। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया ताकि ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लेके रख लो, सम ट्राई कर दो, ठीक है। 25 मिनट तो जाएगा, बड़ा सम है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, वो डिबेंचर्स खरीद रहा है और बेच रहा है, ओके। डिबेंचर्स को क्या कर रहा है, वो बाय कर रहा है और बेच रहा है। तो परचेज इधर आएगा, सेल इधर आएगा। इधर बोलो तो डेबिट में परचेज आएगा, क्रेडिट में सेल। इधर प्रॉफिट आएगा, इधर क्या आएगा, लॉस, और इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक वर्ड आया इंटरेस्ट, तो आपको देखना है कि इन लोग इंटरेस्ट कभी दे रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करो कि ईयर एंड कब हो रहा है। तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ईयर एंड कब हो रहा है, तो इधर अपन क्या लिखेंगे, मार्च। तो चालू कभी होएगा, अप्रैल। तो लाइन से कैलेंडर डाल दिया, ईयर एंड कब हुआ, मार्च। चालू कभी हुआ, अप्रैल। अब इसके बाद है ना, अपने को देखना है कि इंटरेस्ट कभी दे रहा वो। तो इंटरेस्ट कभी दे रहा है, 30 जून को दे रहा है और एक 31 दिसंबर को। तो 6-6 महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। कभी दे रहा है इंटरेस्ट, 30 जून। ये दिख रहा है जून, 30 जून बोले तो इधर आएगा ना मेरे भाई। तो एक इंटरेस्ट इधर देने का हाफ ईयरली, और एक इंटरेस्ट कभी दे रहा है 31 दिसंबर। तो ये नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर को, मतलब इधर इंटरेस्ट देना है और एक इंटरेस्ट इधर देना है, ठीक है। और इधर दो प्राइस रहता है, कम प्राइस रहता है और एक एक्स प्राइस। कम प्राइस में ना उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड रहता है ना, तो उसमें अपन को इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम में कम करना है, कम में, और एक्स में डायरेक्ट लिखना है। तो पहले परचेज दिया है, जो इधर आएगा सेल। सेल के लिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर उसके पहले इनके पास क्या दिया है, आरसीबी लिखा है। क्या लिखा है, आरसीबी एक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया था 1200 डिबेंचर। फेस वैल्यू कितना दिया है, 100। ये जो 6% है वो इंटरेस्ट रेट है। 6% क्या है वो, मतलब सब पे 6% आएगा, और ये 100 दिया, ठीक है। और किधर इन्वेस्ट किया था, विराट कंपनी में 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया। और जिसका कॉस्ट दिया है, मतलब ये वाले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्या दिया है, तो कितना डिबेंचर उनके पास, 1200। कितना डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 होएगा ना, कितना होगा, 1,20,000। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1200 नहीं लिखना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे तो 1,20,000। ये कितना है, 400, मतलब 40,000। ये भी कितना हो गया, 40,000। ये कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखो कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, जो 1200 डिबेंचर था 100 के हिसाब से 1,20,000, उसकी वैल्यू कितनी दी है दोस्त, 1,40,000। 1,40,000 मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है उसका कॉस्ट दिया है। तो अभी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन इधर करेंगे, तो इधर लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बोलो तो 1,400 है ना, ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो अपने को क्या कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लिख लेगा, इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, तो फेस वैल्यू कितना, 1,20,000। फेस वैल्यू कितना अपना, 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 इधर लिखने का, ओके। हाँ, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है भाई, 6%। इंटरेस्ट कितना है, 6%, 6%। साल में कितना महीना रहता है, 12 महीना रहता है। अब इधर ध्यान दो, ये कभी का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कौन सा डेट का है, 1 अप्रैल। कभी का बैलेंस है, ये है 1 अप्रैल, है ना भाई, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो कितना महीना आ रहा है पीछे, देखो 1, 2, 3, इसका डेट पीछे है ना भाई इंटरेस्ट का, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। देखो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये अपन ने लाइन मारा है ना दोनों, ये लाइन कौन सा मारा, 30 जून का और 31 दिसंबर का। ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अभी हम लोग अप्रैल में, तो पीछे जाके देखो कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है, 3 महीने का। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा कितना का भाई, 1800। तो ओपनिंग बैलेंस जो 1,12,000 डिबेंचर मीन्स 1,20,000, जिसका कॉस्ट गिवन था, उसका इंटरेस्ट आया 1,800। उसका इंटरेस्ट कितना आया, तो 1,800 हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब अपना पिक्चर चालू होता है, ओके। तो ऐसे एक लाइन मार देने का, अब ध्यान दो, ये अप्रैल में अभी हम लोग, अभी आया 1, 6, 6 बोले तो क्या हो जाएगा भाई, जून, 1 जून क्या हो जाएगा, तो इधर डॉट डाल दिया, 1 जून बोले तो इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 जून इधर आया, तो 1 जून को क्या किया उन्होंने, 400 डिबेंचर परचेस किया भाई। क्या किया है, परचेस किधर रहेगा, डेबिट में, सेल किधर रहेगा, क्रेडिट। तो कभी परचेस किया, 1, 6 परचेस किया तो क्या लिखेंगे, 2 बैंक। परचेस किया तो क्या लिखेंगे, 2 बैंक। अब इधर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इधर पटक देंगे, तो कितना परचेस किया, 400 डिबेंचर। क्या प्राइस बोला है, कम इंटरेस्ट, तो इधर लिखेंगे 1, 6 परचेस लिख दिया। क्या लिख दिया, इधर ब्रैकेट में लिख दो कम इंटरेस्ट। क्या लिख दिया आपने, कम इंटरेस्ट। नहीं क्या कल वाले समय करा था, 92 दिया था, 98 दिया था, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आता था। इधर अमाउंट डायरेक्ट रेडीमेड दिया है, अमाउंट डायरेक्ट रेडीमेड। तो 400 डिबेंचर कितने भाव में खरीदा, कितने रुपये का खरीदा, 40,800। ये अमाउंट दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया है। कौन सा प्राइस है, कम है। तभी अपने को क्या निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का। क्या निकालने का, तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, 400 पे नहीं लिख लेगा, 400 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 100 से। तो इंटरेस्ट 40,000 रुपये निकलता है, इंटरेस्ट 400 पे नहीं लिख लेगा, इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, तो 40,000 रुपये इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है।
कितना परसेंट है? 6%। साल में कितना महीना रहता है? 12। अब सवाल है कि कब खरीदा उसने? 1 जून। कब खरीदा? 1 जून। तो 1 जून को खरीदा, राइट? हाँ बाबा वालेकुम सलाम। 1 जून को खरीदा, तो 1 जून इधर आ गया ना अपना यार। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने महीने का इंटरेस्ट आया? 5 महीने का। कितना महीने का इंटरेस्ट आया? अमन है क्या? अमन दे दे, मैं करता हूँ। तो कितना महीने का इंटरेस्ट आया? 5। वापस से ये देख ना, कब खरीदा? 1 जून को खरीदा। कब खरीदा पुण्य? तो 1 जून इधर आ गया ना यार। तो पीछे जाना, 1, 2, 3, 4, 5 तो कितने महीने का इंटरेस्ट आया? 5। तो 5 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई? 1000 आया। और इधर क्या प्राइस बोला है? कम इंटरेस्ट। क्या प्राइस बोला है? कम इंटरेस्ट बोले तो क्या करने का? कम करने का मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड है ना, तो उसको माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 39,800। ये अमाउंट तुम्हारा मेन हीरो हो जाएगा ना यार। फिर इधर पढ़ने का, 1/6 को 400 खरीदा, 400 बोले तो कितना हो जाएगा? 40,000। और इस पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया था? 1000। और क्या प्राइस बोला था देखो? कम। तो ये नहीं लिखूंगा, इसमें से इंटरेस्ट क्या करेगा? माइनस करके लिखा 39,800। एक नंबर। ऐसा तुम लोग को आगे जाने का, राइट? राइट जा रहा है। अब इसके बाद, अब मैंने भाई 1/6 के बाद क्या आ रहा है? 1/11। जून से डायरेक्ट 11 बोला, दिवाली के बाद आया ना यार। 11 बोला तो नवंबर होता, 11 बोला तो क्या होता है? ये लाइन मारा टाइम पास के लिए थोड़ी पाड़ा यार। ये लाइन, ये दिख रहा है डेट? ये लाइन को देखने का, ये डॉट, ये क्या मालूम है? 30 जून। क्या है? तो 30 जून को क्या देने का अपने को मालूम है? 30 जून को क्या देने का? इंटरेस्ट देने का। कौन सा इंटरेस्ट देने का? हाफ ईयरली। कौन सा इंटरेस्ट देने का? तो साल में 2 बार इंटरेस्ट देने का, 30 जून को देने का और एक, तो एक इंटरेस्ट इधर आ रहा है और एक इंटरेस्ट इधर आ रहा है। तो ये आपको दिया नहीं रहेगा, आपको समझना रहेगा। तो ऐसा लाइन मारा तो याद रहेगा ना, अप्रैल आया, जून आया, फिर जून 30 जून आएगा, फिर नवंबर आएगा। डायरेक्ट नवंबर की एंट्री नहीं डालने का। तो अभी इधर लिखेंगे 30 जून। क्या लिखेंगे? ये डेट डाल देने का 30 जून। क्या दे रहे हम लोग? हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसा आएगा मालूम है? कितना है इनके पास टोटल डिबेंचर? पहले कितना था? 1,20,000। एक्स्ट्रा कितना खरीदा? 40। तो टोटल कितना है? 1,60,000। शाबाश, टोटल ऐड करने का 1,60,000 पे कितना परसेंट? 6%। हाफ ईयरली बोले तो कितना महीना? 6 महीना। हाफ ईयरली बोले तो 6 महीना। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है भाई? शाबाश, 4,800। इसको बोलेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे भाई? हाफ ईयरली इंटरेस्ट। जैसे 30 जून को देना, एक इंटरेस्ट इधर भी देने का, दिसंबर को भी देने का। कभी देने का? अब इसको टाइम है। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट, इधर परचेस आएगा, इधर सेल आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस, इधर 6 महीने का इंटरेस्ट। तो कभी दिया इंटरेस्ट? 30 जून। इधर लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे? इधर आप लोग लिख सकते हैं हाफ ईयरली। क्या लिख सकते हैं? बीच में डाल देने का अमाउंट। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है? 4,800। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया? इसमें लिख कर, दोनों को जोड़ने का रहता है। जब ई वाला आएगा ना, तो सेल भी रहेगा, तो घटा के फिर आएगा अपने को। अच्छा, अभी 1 जून के था ना, अभी किधर है? 1/11। 1/11 को क्या किया उन्होंने? तो 1/11 बोलो तो भाई नवंबर हो गया ना यार। परचेज बोलो तो किधर आएगा? इधर आएगा। 1/11 लिख दिया। कैसे लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे? कितना डिबेंचर खरीदा? 400। अभी इधर अमाउंट नहीं लिखेंगे, अभी इसको सॉल्व करके फिर इधर लिखेंगे ना। तो फिर से एक डेट लिखेंगे, तो वर्किंग नोट में 1/11। 1/11 को क्या क्या लोगों ने परचेस किया है, और कैसे में परचेस किया है? एक्स इंटरेस्ट, इधर लिख दिया एक्स प्राइस में लिया है। और डायरेक्ट 400 खरीदा, उसकी वैल्यू कितनी थी? 38,400। डायरेक्ट उसको लिख दिया था 38,400 रुपीस। तो लिखने के बाद क्या कैलकुलेट करने का? इंटरेस्ट। क्या निकालेगा? इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट 400 पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट किस पे आएगा भाई? 40,000। शाबाश, 40,000 पे इंटरेस्ट आएगा। और कितना परसेंट बोला? 6%। 12 लिखा, राइट? अब सवाल है कब खरीदा? 1 नवंबर। कब खरीदा? ये है ना नवंबर भाई। अब इसको तो 1, 2, 3, 4 तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है। कितने महीने का निकल रहा है? इधर रुक जाने का, क्योंकि दूसरा 6 महीने का था ना, ये दूसरा 6 महीना। अब इधर तक पूरा आएगा तो अभी 10 महीने का, मतलब गलत जा रहे हैं ना यार। तो ये लाइन कहाँ से मारा? यहाँ से मारा ना यार। तो कितने महीने का इंटरेस्ट है? 1, 2, 3, 4 तो कितना आ जाएगा दोस्त? 800। अच्छा, कौन सा प्राइस है ये? ये प्राइस कौन सा मालूम है क्या? एक्स है, मतलब माइनस करने की जरूरत? माइनस किस में करने का? कम में कम करना है, एक्स में जैसा है वैसे लिखना, ठीक है? तो अभी अपने को यहाँ रीड करना पड़ेगा। 1/11 को 400 खरीदा, 400 बोले तो कितना आएगा? 40,000। और जब खरीदा उसका इंटरेस्ट कितना आया? 800 आया। और क्या प्राइस था एक्स प्राइस? 38,800। क्या आएगा? माइनस कब करने का? जब क्या बोला रहेगा? कम बोला रहेगा। क्या बोला रहेगा? कम, ठीक है? तो ये हो गया अपना किधर का? परचेस का हो गया, राइट? अब उसके बाद, अब ध्यान देना, मजा आएगा भाई। 30/11 बोला, क्या बोला है? 30/11 को 600 डिबेंचर सोल्ड किया है। सोल्ड बोलो तो बेचा है। तो बेचा तो अपन क्या करेंगे? तो लिखेंगे 30/11। हाँ,
30/11 लिख दिया, ठीक है। बाय बैंक क्या लिखा? बाय। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इधर, तो इधर लिख देंगे 30/11 क्या क्या लोगों ने सोल्ड किया, क्या किया है, कितना डिबेंचर बेचा है, 600। क्या प्राइस है? कम इंटरेस्ट, तो इधर लिख दिया कम इंटरेस्ट। अच्छा बेच के कितना है भाई मालूम है क्या? बेच के आया 64,000। ये पैसा अपने पास आया ना यार, इधर लिख दिया आया, क्योंकि बेच के पैसा आया। तभी अपने को क्या निकलने का भाई? इंटरेस्ट निकलने का है। तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 600 पे नहीं निकलेगा, किस पे निकलेगा? 60,000 पे लिखेगा। इंटरेस्ट का रेट कितना भाई? 6% कॉमन है ना सब में। अब इधर लिखा 12, कब बेचा उसने मालूम है? 30/11 बोले तो पूरा नंबर इधर आएगा राइट। एक बोला तो पहले लेने का, 30 बोला तो बाद में लेने का, मतलब 30 बोला ना नवंबर को भी गिनने का, 30 बोला तो नवंबर अक्टूबर सितंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है। कितने महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है? 1500। शाबाश 1500 लिखा, पर ये कौन सा प्राइस दिया इसमें? तो कम में क्या करेंगे हम लोग? कम कर देंगे। कम में क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कम करके कितना है? 63,000। तो ये वाला अमाउंट हो जाएगा रिसीव, अमाउंट रिसीव क्या है हिंदी में लिखा, पैसा आया। इसमें इंटरेस्ट ऐड था ना दोस्त, तो इंटरेस्ट बटा दिया ना पुण्य, क्योंकि कम था। तो ये हो गया सेल। अब इसको मत लिखो, क्योंकि सेल किया है तो चेक करेंगे या तो प्रॉफिट हो रहा है, ये तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो अभी अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? तो मैंने एक फॉर्मा लिखा था ना, यूनिट सोल्ड, क्या लिखा था? कितना बेचा, फिर क्या लिखा मालूम है क्या? इधर लिखा डेबिट अमाउंट, क्या लिखा? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। इधर लिखा डेबिट यूनिट्स, क्या लिखा था? माइनस क्रेडिट यूनिट्स। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? इधर कॉस्ट लिखा ना, यूनिट सोल्ड, क्या लिखा? तो कितना बेचा उन्होंने? 600। 600 बोले तो 60,000, 600 बोले तो ओके। डेबिट अमाउंट बोले तो ये सबको ऐड करेंगे ना भाई, 1,40,000 को ऐड करेंगे, 3,900 को ऐड करेंगे, 38,400 को ऐड करेंगे, 218,200। शाबाश, ये कौन सा अमाउंट है भाई? डेबिट, मतलब इधर का हिसाब। माइनस क्या करेंगे? क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट में कुछ है क्या भाई? तो क्या डालेंगे? 0। अब इसको ऐड करेंगे, 200,000 हो रहा है, कितना हो रहा है? 200,000। क्रेडिट में कुछ है क्या? सॉरी क्रेडिट में है क्या, फेस वाली में? यूनिट्स में नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अपने को कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? इतने का चीज था, इतने का चीज था, तो इसको इससे डिवाइड करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, इसको 65,460। शाबाश, तो ये हो गया कॉस्ट। क्या हो गया मतलब? क्या हो गया दोस्त? इतने का चीज था 65 का, और अपने को कितना है? 65 का था और आया 63, मतलब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस कितना हो गया? दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 2460। इतना अपने को क्या हो गया? लॉस हो गया। ये अपना क्या हो गया? लॉस है ना, मतलब 65 की चीज 63 में मिल रही है अपने को। जो चीज़ 65 का था अपने को 63 है, मतलब इधर कॉस्ट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? और जो अमाउंट आया ना सोल्ड वो कम है। कॉस्ट ज़्यादा बोले तो क्या होता है? अपना माल में क्या लॉस होता है। तो अभी हमने पढ़ा 30/11 को, क्या पढ़ा? तो अभी 30/11 को इधर लिखना पड़ेगा ना यार हिसाब में। तो 30/11 को 600 डिबेंचर सोल्ड किया, परचेज सोल्ड, 600 बोले तो कितना आएगा? 60,000। बेचा तो इंटरेस्ट कितना आया मालूम है क्या? 1500। और कौन सा प्राइस था मालूम है क्या? कम। तो फिर कम करके कितना है? 63,000 ये लिखने का था। ओके, फिर हिसाब क्या मालूम पड़ा? लॉस हुआ। क्या हुआ? तो बेच के अपने को लॉस हुआ, तो प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस इधर आएगा। तो कौन से? 30/11। लॉस को कैसे लेने का? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय? डायरेक्ट अमाउंट इधर आ जाएगा। कितने का लॉस हुआ? 2460। वो ट्रांजेक्शन था 30/11 का। कौन सा था? सेम ट्रांजेक्शन 31/12 का है, सेम 31/12 तो ये आ जाएगा ना भाई, 31/12 वाला तो ये दिसंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? है ना। क्या किया उन्होंने? 800 डिबेंचर क्या किया? बेचा। कौन सा प्राइस में? एक्स इंटरेस्ट। तो इधर लिख दिया 31/12 बेचा, तो कैसे आएगा? बाय बैंक अकाउंट। चलो आ जाओ, तब इधर अपने को लिखना पड़ेगा 31/12 उन्होंने क्या किया भाई? सोल्ड किया। क्या किया है? सोल्ड। कौन से प्राइस में बेचा है? एक्स इंटरेस्ट। तो इधर लिख दिया एक्स, और बेच के कितना है भाई? 77,300। ये पैसा अपने पास क्या हो गया? आया ना यार अमाउंट, क्या क्या रिसीव किया। अभी क्या कैलकुलेट करने का अपने को? इंटरेस्ट कितना बेचा है? 800।
तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा? 80,000, 6% है। कभी बेचा मालूम है? 31 दिसंबर को बेचा, 1 दिसंबर नहीं बोला, क्या भी बोला है? 31। तो 31 दिसंबर का दिसंबर आएगा, नवंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, 6 महीना, 6 महीने का इंटरेस्ट लेकर रहा है। कितने महीने का इंटरेस्ट लेकर रहा है? 6। तो 2400। और कौन सा प्राइस है? एक्स। तो कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में रख दिया, ठीक है ना। अभी इधर क्या क्या है? सोल्ड क्या है? तो अभी अपने को चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अभी अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा? कॉस्ट। तो अपन विदाउट फॉर्मूला भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट में क्या लिखने का? पहला देखो, यूनिट सोल्ड क्या लिखेंगे? तो कितना बेचा? 800 बोला तो कितना लिखेंगे? 80,000। फिर लिखेंगे डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, है ना। डेबिट बोलो तो तीनों को ऐड करेंगे, डेबिट बोलो तो ये तीनों को ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड किया ना, तो 218,200, है ना। डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट, डेबिट बोलो तो इसको ऐड किया ना, अभी माइनस करेंगे क्रेडिट अमाउंट, क्या करेंगे? माइनस क्रेडिट। तो क्रेडिट में दो है ना यार, तो दोनों को जोड़ देंगे 65,460। वापस से देखो ये क्या लिखा पढ़ो, कितना बेचा? 80,000। डेबिट अमाउंट, डेबिट बोलो तो इसको जोड़ा, क्रेडिट बोलो तो इसको जोड़ा। अभी नीचे यूनिट्स आएगा, यूनिट बोलो तो फेस वैल्यू लेने का, तो ये 2 लाख है, कितना ये? ये 60,000 है। तो इधर लिखेंगे 2 लाख, इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे 60,000। तो एक काम करो, फटक से ऊपर वाला माइनस करो, 1,52,740। अभी इसको आप लोग क्या करो, सॉल्व करो, पहले डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, 80 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करो, 80 से मल्टीप्लाई करो, अपने को कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? कॉस्ट। तो देखेंगे कॉस्ट ज़्यादा है क्या सोल्ड ज़्यादा है, ना। 37,280। शाबाश, सॉरी 87 क्या क्या भाई, 87 मतलब कितने की चीज़ थी और आया कितना अपने को? मतलब 87 का था, कितने का था और मिला कितना? 77। ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? तो कॉस्ट ज़्यादा, तो क्या हो गया? लॉस। इसको इससे माइनस करो, लॉस मिलेगा, कितना रहा लॉस? 909,980 का क्या हुआ? लॉस। अभी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पोस्ट करना है ना, तो आ जाओ। तो कितना बेचा? 800। कितना लिखने का? 80,000। फिर इंटरेस्ट लिखा लेंगे, क्या लिखा लेंगे? इंटरेस्ट कितना आया था? 2400। इंटरेस्ट 2400 था, ठीक है। और एक्स प्राइस था कौन सा था? तो ऊपर वाला लिखने का 77,300। फिर बेच के क्या हुआ, फायदा हुआ कि लॉस हुआ? ये सब नहीं लिखने का, डायरेक्ट ये वाला अमाउंट आएगा लॉस, 9980। क्या आएगा? 99। तो प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस इधर। तो 31/12 को क्या हुआ? लॉस हुआ। 31/12 को क्या हुआ? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 9980, है ना। तो अभी अपन ने क्या किया, 800 डिबेंचर तक पूरा सॉल्व किया, 4 ट्रांजेक्शन था, 2 खरीदा 2 बेचा। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है। अभी अपन किधर मालूम है? 31 दिसंबर को क्या है? अब जैन फेब मार्च, ईयर एंड कभी होता है? तो कुछ खरीदा भी नहीं, कुछ बेचा भी नहीं। तो मार्च में जाने से पहले 6 महीने का इंटरेस्ट देने का ना वापस यार। देखना एक इंटरेस्ट कभी दिया, दिया ना इधर बीच में, तो एक इंटरेस्ट फिर से देने का ना यार, कभी देने का है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को हम लोग क्या दे रहे हैं? हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं? तो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? कितना था, कितना गया है, कितना गया, कितना इसको ऐड करके 2 लाख आया, टोटल 2 लाख था, कितना था उसमें से 60 भी गया, 80 भी गया, तो बचा कितना? इन दोनों को माइनस करके तो 2 लाख में से 1,40,000 माइनस किया, तो कितना क्वांटिटी अपने पास है? 60,000। 60,000 पे कितना परसेंट देने का? 6%। और कितना हाफ ईयरली बोला तो? 6 महीना। हाफ ईयरली बोला तो 6 महीना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 1800। तो जैसे इंटरेस्ट आपने जून में दिया था ना, कभी ये दिया था जून में, वैसे इंटरेस्ट तुमको क्या देने का? दिसंबर में देने का। तो था कितना, गया कितना, तो जो बचा कितना उस पर इंटरेस्ट अपने देने का। तो इधर लिखेंगे बाय 31/12, मतलब वो डेट पे बेचा भी है, बेचते हुए लॉस भी हुआ, फिर क्लोज किया, क्लोज करके बाद इंटरेस्ट भी दिया। तो इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे? बाय बैंक, क्या लिखेंगे? हाफ ईयरली, क्या लिखेंगे? हाफ ईयरली। कितना इंटरेस्ट है? 1800। अब जाके मतलब 4 ट्रांजेक्शन था, 2 खरीदा 2 बेचा, 2 हाफ ईयरली इंटरेस्ट था और 1 ओपनिंग बैलेंस था, है ना। तो इतना हो गया। अब इसको क्लोज करना है, क्या करना है इसको? तो अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च को, कभी क्लोज हो रहा है 31 मार्च। तो मार्च बोले तो नया साल 2022 डाल दिया, तो इधर लिख दिया 31/3, क्या लिख दिया? तो क्लोज कभी करेंगे? 31 मार्च को। क्या लिखने का? बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखेंगे? क्लोजिंग।
तो इसको जोड़ो, ये 2 लाख है भाई, कितना है देखो, ये और ये 1,40,000, तो ज़्यादा कौन सा, तो 2 लाख को दोनों तरफ लिखने का, 2 लाख को 2 लाख में से 1,40,000 गया तो 60,000 बचेगा। कभी बच रहा है, 31 मार्च बोले तो कितना हो गया, ये हो गया ना भाई, तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना, ईयर एंड में भी कितने महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है, ईयर एंड का भी कर रहा है, मार्च में कर रहा है ना, तो 3 महीने में कुछ खरीदा बेचा नहीं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा ना यार, ये 6 महीने का था वो इधर था, अब 3 महीने का और देने का क्योंकि ईयर एंड हो रहा है ना यार, ओके। और कल वाला जो सम कर रहा था ना वो ओपनिंग ईयर और इंटरेस्ट रेट सेम था, आज 20 में था, इसलिए 3 महीने का एक्स्ट्रा निकल रहा है, जैसे स्टार्टिंग में 3 महीने का दिया ना वैसे एंडिंग में भी कितना महीने देंगे, 3, तो ईयर एंड लिखा मैंने, क्या लिखा, ईयर एंड 3 मंथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे देने का, 60,000 रुपये, किस पे देने का, 60,000 रुपये 6% × 3/12, तो 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो 900 इंटरेस्ट आ गया, ये 900 क्या आएगा इंटरेस्ट, अभी लफड़ा इधर करने का है, इधर अमाउंट क्या आएगा ना यार, तो आ जाओ, तो इधर कुछ बोला है सुनो, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाँ चल ठीक है बना दिया, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च, ओके क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च, कॉस्ट और मार्केट बैलेंस विच एवर इज लोअर, दोनों में छोटा उठाने का है, और इधर क्या बोला है, डिबेंचर और कोटेड, कोटेड बोले तो मार्केट वैल्यू, कोटेड बोले तो क्या बोला है, पार, क्या बोला है, पार, कितना बचा, 60,000, वही छे तेरा मार्केट वैल्यू, ना ज़्यादा है ना, कल 90 आया था ना, तो अपन ने क्या किया था, 600 को 90 से मल्टीप्लाई किया था, इधर बोला है पार, क्या बोला है, तो फिर इधर मैं लिख रहा हूँ मार्केट वैल्यू, क्या लिख रहा हूँ इधर, क्या बोला है पार, क्या बोला है, मतलब कितना डिबेंचर से, 60,000, ये 60,000 लिख दिया, ये हो गया गिवन, क्या हो गया, क्वेश्चन मध्ये दिले, आता अपना काय काढायचं आहे, कॉस्ट काय काढायचं आहे, कॉस्ट बोलो तो डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, कॉस्ट बोलो तो ये डेबिट का टोटल निकालूंगा मैं, तो डेबिट का टोटल है मेरे पास कुछ 2,18,200, कितना है, ये डेबिट का ना भाई, किधर का, ये डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे, इसका टोटल बताओ ना कितना है, इसका टोटल कितना है, बड़ा सा मैं भाई 1,52,000, अभी दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, शाबाश 65,460, अब सुनो ये 60,000 कहाँ से आया, ये क्या पढ़ो, पार, मतलब जो बचा है उसकी वैल्यू उतनी ही है, तो मैंने इधर लिख दिया 60,000 दिया है, 60,000 ये कॉस्ट है, क्या ये कहाँ से आया, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो कितना है कॉस्ट, 65, मतलब इसकी वैल्यू है 65, वैल्यू कितना है, अभी उसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 65 की चीज, जो चीज़ 65 की है उसकी आज उसकी वैल्यू 60,000, जो 65 का कॉस्ट है उसका वैल्यू कितना आज, सोना 65 का बेचेगा तो कितना है, तो क्या, और अपने को लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तो लॉस कितना हो गया, मान लो दोनों का माइनस है, 5,460, दोनों में छोटा कौन है, अभी तो छोटा ही लेने बोला ना, विच ओवर इज लोअर, तो छोटा ही लेने का 60,000, और इधर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस इधर आएगा, तो इधर लिखेंगे 30+3 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे, तो ईयर एंड में लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 5,460, तो ये टोटल और ये टोटल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 2,18,200, 2,18,200, अब बचा कौन सा सॉल्व करने का, इंटरेस्ट का, तो ये नकली कॉलम है भाई, दोनों साइड का लेके माइनस करो, तो ये है 11,400, कितना दोस्त, और ये हो गया 28, ये 3600, तो 11 ज़्यादा कि 36 ज़्यादा भाई, 11,000 ना, 11,000 है और ये 3600 है, ये 3,000 है, ये 11,000 है, तो 11,000 ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा, तो 11,000 को दोनों तरफ लिखेगा, 11,400 को क्या करेगा, 11,400 को दोनों तरफ, उसमें तो तीनों चिल्लर माइनस किया ना, तो अपने को मिला 7,800, कितना मिला, तो ये कभी मिला 31/3 ईयर एंड में, ये पैसा किधर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड ब्लैंक्स आएगा तुम्हारा, तो ऐसा खतरनाक वाला समझा, ठीक है, तो अपन ने ट्राई किया है, 25 मिनट गया है, ठीक है, बस हो गया अभी।